हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनायक आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज है 7 फरवरी और आज हम लोग करेंगे आज के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया रिजेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वेस्ट टू कट टैक्सेस। तो इसका सही आंसर है इलॉन मस्क। आइए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें जाननी हो तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए एलॉन मस्क के ही बारे में। एलॉन मस्क के बारे में अगर बोला जाता है कि ही इज़ द वर्ल्ड बिजिएस्ट मैन एंड ही इज़ द को फाउंडर ऑफ मैनी कंपनीज लाइक स्पेस एक्स, द बोरिंग कंपनी, एक्सकॉम जो इस समय पेपैल के नाम से है, सीईओ ऑफ टेस्ला ऑल्सो। तो आइए चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। Which country openly declares that Taiwan is a part of China? तो इसका सही आंसर है रशिया। आइए कुछ चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे है रशिया की कैपिटल अगर हम लोग देखते हैं तो मॉस्को है, और रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर इस समय है मिखेल मिथुस्टिन है यहां पे, और रशिया में जो करेंसी चलती है वो रशियन रूबल चलता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें चाइना के बारे में जैसे जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल अगर हम लोग देखते हैं तो सबको पता है बीजिंग है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो युआन चलती है, चाइनीज़ युआन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। और ताइवान की जो हमारी कैपिटल है वो ताइपाई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच स्टेट सीएम लॉन्चेस जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप स्कीम। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आ रही है आंध्र प्रदेश के जो सीएम इस समय है वाईएस जगन रेड्डी, जो करंट सीएम है आंध्र प्रदेश के यही है। ऑन ट्यूसडे लॉन्च द जगन्ना टाउनशिप स्कीम वेबसाइट फ्रॉम द तेड़ीपल्ली कैंप ऑफिस। इन्होंने मंगलवार को इस। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया टू कन्वर्ट हाउ मैनी विलेजेस इनटू विलेज ऑफ एक्सीलेंस इन पार्टनरशिप विद इसराइल। तो इसका सही आंसर है 150। और इंडिया के जो करंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और कुछ चीज़ें हम लोग इसराइल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे इसराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, और वहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही है वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक चल रही है, और इसराइल के प्रेसिडेंट का नाम है इजैक हर्जॉग, और प्राइम मिनिस्टर है नेफ्तली बेनेट। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इन रिपब्लिक डे परेड 2022 विच स्टेट विंस द बेस्ट टेवेलू अवार्ड। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री टू बैन इंडिया आउट प्रोटेस्ट इन देयर कंट्री। तो इसका सही आंसर है मालदीव्स। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 216 फीट स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन विच प्लेस। सो इसका सही आंसर जो हमारा है वो है हैदराबाद। रिसेंटली वहां पे पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का इनॉग्रेशन किया था। उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग और जान लेते हैं। जैसे कि पहली चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये है, और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ रामानुजा स्टैचू। ये हमारे रामानुजा जो सेंट थे उनका स्टैचू बनाया गया है यहाँ पे, इसका नाम दे दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच विल बी द फर्स्ट ट्रेन स्टेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बुलेट ट्रेन रूट। तो इसका सही आंसर है हमारा सूरत। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन विल गूगल टू स्टार्ट रोलिंग आउट द न्यू गूगल डिजाइन फॉर वर्क स्पेस यूजर्स। तो गूगल ने अपना नया गूगल जो डिजाइन है जीमेल डिजाइन उसको इनॉग्रेट कर दिया है। उसकी टेस्टिंग भी चल रही है, बट जो रिसेंट लॉन्च होगा वो होगा अप्रैल में, जिसको इन्होंने बोला था कि अर्ली सेकेंड क्वार्टर में इनॉग्रेट कर देंगे।
तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हु बिकम द फर्स्ट इंडियन हु इज नॉमिनेटेड फॉर द लुइस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड. तो इसका सही आंसर है हमारा नीरज चोपड़ा. आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इंडिया हैज फाइनलाइज्ड हाइलसोला टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट एज इट नॉमिनेशन फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट फॉर 2022-23. तो हमारा इसका सही आंसर है कर्नाटका. हाइलसोला टेम्पल ऑफ बेलोर हेलिबिड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द ईयर 2022-23. तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे 2nd. तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वेटलैंड डे. और इसी डे से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 2nd Feb टू रेज अवेयरनेस एंड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वेटलैंड एंड नीड टू प्रिजर्व देम. ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में जानना चाहिए हम लोगों को. और सबसे बड़ी चीज़ ये है इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था. वेटलैंड वॉज अडॉप्टेड इन 1971, जिसको हमें जानना ज़रूरी है और याद भी रखना चाहिए हम लोगों को. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और सेम वेटलैंड डे से क्वेश्चन रिलेटेड हुआ है हमारा ये, और ये भी रिलेटेड है. और ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है. एडिटिंग में दिक्कत हो गया है थोड़ा सा. तो क्वेश्चन हमारा ये है व्हेन वाज वर्ल्ड वेटलैंड डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड. तो इसका सही आंसर हमारा जो है वो 1997 है. अब से कुछ और हम लोग जान लेते हैं. जैसे हमारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है वही चीज़, फर्स्ट सेलिब्रेट अगर हम देखेंगे तो 1997 में हुआ है. और इस डे को हम लोग मार्क कर देते हैं फॉर द एडॉप्शन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसार ऑन द कैप्सिकम सी. और इसको 2 फेब 1971 को ही किया गया था. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेम चीज़ यहाँ पे भी मिस प्रिंट हुआ है. ये क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको 15 लिख दिया गया है. तो अब पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हु इज द ओनली इंडियन स्पोर्ट्समैन टू हैव वॉन लुइस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड. अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. नॉमिनेटेड जो थे वो नीरज चोपड़ा थे, बट जो जिन्होंने जीता है वो हमारे सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट लेजेंड लिटिल मास्टर, इन्होंने ये अवार्ड को जीता हुआ है. तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Who has became the second Indian to win the World Games Athlete of the Year 2021 award? तो इसका सही आंसर है पी आर श्रीजेश. तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. How many players are included in the final IPL 2022 players auction list? तो इसका करेक्ट आंसर है 590. तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं. और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कर दें. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.